राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने प्रचार के दौरान कहा कि भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई दी। संबित ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के रोड शो की भारी सफलता पर मीडिया चैनलों को कई बाइट्स दी, सभी में मैंने यही कहा कि मोदी जी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त हैं। एक बाइट में इसका उल्टा निकल गया, कभी कभी जीप फिसल जाती है, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहली बार अपनी पत्नी सुनीता के साथ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, इंडिया ब्लॉक को चुनाव में जबरदस्त जीत मिलने वाली है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा कि मैं रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ का आदर करती हूँ, मैं उन संस्थानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन एक दो सन्यासियों की आलोचना करती हूँ जो राजनीति में लिप्त है। ममता ने 18 मई को कहा था कि कुछ मठों के सन्यासी भाजपा के आदेश से चलते हैं। पीएम मोदी ने इस बयान को आड़े हाथ लिया और कहा कि ममता ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के चलते ऐसा कहा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।